दोस्तों गुड इवनिंग, आप सभी को फिर से हमारा एक न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो दोस्तों आप लोग कैसे हो? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज का एक छोटा सा ब्लॉग वीडियो होगा, मस्त ज़बरदस्त होगा। तो प्लीज़ इस ब्लॉग वीडियो को शुरू से एंड तक देखते रहिए। तो आपका भाई को सपोर्ट बनाए रखे। तो दोस्तों अभी तक आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। और आप सभी को मैं एक बहुत मस्त वीडियो देगा, एक और जो मंदिर इस ब्लॉग में दिखाऊंगा, सुपर मंदिर दिखाऊंगा, और वो भी जैन मंदिर। और आप देख सकते हैं तो दोस्तों ये सारा सजावट हुआ है, देख सकते हैं ये जो लाइट में भरा हुआ है, ये और खूब सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर। और ये कहाँ का है ये मंदिर और जैन मंदिर ये है, मैं आप सभी को बताऊंगा। लेकिन आप लोग ब्लॉग को शुरू से एंड तक देखते रहे, स्किप नहीं करने का, स्किप करेगा तो आप सबको पता नहीं चलेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो मंदिर इधर डिजाइन किया है, बहुत सुंदर है। और पूरा मंदिर अंदर मैं बताऊंगा और आप सभी को, और आप लोग ब्लॉग को शुरू से एंड तक देखते रहिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत सुंदर सजावट हुआ है। और ये मंदिर कहाँ का है लास्ट में मैं आप सभी को बताऊंगा, और मैं इसका अंदर भी आप सभी को भगवान का दिखाऊंगा। और आप देख सकते हैं ये जो इधर भगवान है कितना सुंदर है, और अंदर से भी मैं बताऊंगा, आप लोग देखते रहिए। तो दोस्तों ब्लॉग को शुरू से एंड तक देखते रहे। आज का ये छोटा सा ब्लॉग रहेगा, लेकिन ये ब्लॉग में इसलिए कि आप सभी को मैं ये मंदिर दिखाऊंगा, जो प्यारा सा भगवान है और बैठे ही है, आप सभी को मैं दिखाऊंगा। और आप देख सकते हैं तो दोस्तों सकते हैं, बहुत सुंदर ही है। जो जैन मंदिर कैसा लगा? और तो दोस्तों आप देख सकते हैं इधर भी जो फूल लगा हुआ कितना सुंदर है, प्यारा लग रहा है, बहुत सुंदर लाइटिंग में मस्त सजाया हुआ ही है। जैन मंदिर पीके रोड पे, और आप सभी को कैसे लगा जैन मंदिर ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सो प्लीज़ सब्सक्राइब करके आपका भाई को सपोर्ट बनाए रखें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड लाइक कर दीजिए। आज का ब्लॉग वीडियो को यही एंड करते हैं, फिर मिलते हैं न्यू ब्लॉग वीडियो के साथ। तब तक बाबा टाटा, लव यू दोस्तों।